नांदुरा शहर के गैबी नगर के अंदर खड़े। गैबी नगर बोले थे बहुत गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर ये कंडीशन है कि 5 से 7 साल हो रहे आज यहाँ के कोई नगर सेवक ने यहाँ कोई भी काम नहीं किया। यहाँ के रोडों की इतनी स्थिति खराब है कि यहाँ बारिश के अंदर इन लोगों का कोई मौत या कोई बीमार हो गया तो उसे ले जाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ के मेंबर लोगों ने यहाँ पर जो घरों के ऊपर जो बड़े बड़े तार थे कि बच्चा हाथ लगाए तो मर जाए, या कोई भाई का कपड़े झटक रही है गर्चा तो कपड़ा लग गया तो मर जाए, ये स्थिति थी यहाँ पर। तो ये यहाँ के मेंबरों ने वो ताकत नहीं करे। यहाँ पर ये जितने गैबी नगर के लोग यहाँ पर दिख रहे मुझे, और आप लोगों को भी दिख रहे होंगे, आपको लाइव ही दिखाया जा रहा है, तो ये सब यहाँ पर इसी कारण से आए कि भाई हमारे गैबी नगर का विकास क्यों नहीं, मुस्लिम वार्डों का काम का विकास क्यों नहीं, जबकि पूरे गांव के वार्डों के काम हो रहे तो मुस्लिम तबके के कामों के लिए क्यों नहीं। तो हम इनसे दो बातें पूछेंगे कि ये ऐसी स्थिति आपके साथ में कब तक चलेगी। आपको पता होना चाहिए, मेंबर के आपको पता होना चाहिए कि गरीब गुरबा लोगों के काम क्यों नहीं होते। तो आप मेंबर लोगों के पास गए थे? आप मेंबर लोगों के पास बहुत बार गए, कुछ काम की ध्यान देते नहीं। अभी ये जो केबल वगैरह जो लगा रहे, ये तार हटा रहे, बड़े तार जो हटा रहे, केबल ABC केबल है, ये केबल जो लगा रहे थे कौन लगा रहे हैं? गफूर भाई की मेहरबानी है। ये गफूर भाई लगा रहे, तो गफूर भाई इन्होंने मेहनत की है, मेहनत की है। गफूर भाई तो अभी नगर सेवक नहीं है, नगर सेवक नहीं है, पर ये उनके से मेहनत करके लगा रहे, मेहनत करके गरीबों का साथ दे रहे, गरीबों के साथ में आ रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं गैबी नगर वासियों की तरफ से एक ही बात करना चाहता कि जो भी बात गफूर भाई ने बोले थे कि मैं इलेक्शन में चुनाव के पहले तुमको खंभे तार ला के दूंगा, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सब गैबी नगर वालों के तरफ से फख्र से बोल सकता हूँ कि ऐसे ही नगर सेवक होना हमारे। विकास तो हमने देखे हुए सबका ही जगह, लेकिन जो गफूर भाई कर रहे हैं रात दिन मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, खाने खाना लगा चल रहे हैं, हम इनके लिए उनके शुक्रिया अदा करते हैं। जय भीम जय भीम। हम आपको यहाँ के रोडों की गलियों की स्थिति बताते हैं। ये देखिए इधर के रोड, इधर के रोड देखिए क्या पोजीशन है कि यहाँ लोग कैसे जिएंगे, जबकि इनके ऊपर नगर परिषद की घर पट्टी है, रोड टैक्स है, लाइट पट्टी है, जबकि सब कुछ दे रहे ये लाइट पट्टी घर पट्टी। तो इनके हम बताएंगे आपको पूरा केबल कैसा खींचा जा रहा है। ये केबल देखो, तारों की स्थिति देखिए, ऊपर खंभे बताओ, कैमरामैन ऊपर बताओ खंभे पर, ये देखो बिल्डिंग से कितने नज़दीक में है। चलो आगे बढ़ते रहो। ये देखो रोडों का काम देखो, पिछले रोडों के काम देखो कितने खतरनाक खड्डे पड़े हुए हैं कि यहाँ पर अगर जब कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया तो ये स्थिति में इन लोगों को कैसे ले जाएंगे या दवाखाने में, इन लोगों को ये स्थिति में कैसा लिया जाएगा दवाखाने में, पीछे पीछे ये यहाँ की पोजीशन है। अभी आगे और आपको गलियाँ बताते हैं, रोडों के पोजीशन बताते हैं कितने उधड़े हुए कि अगर पैदल भी नहीं चला जाता है यहाँ पर। आगे दिखाते हैं आप लोगों को, आइए आप हमारे साथ में, सभी लोग आ रहे हैं, ये सभी लोग हमारे साथ में आ रहे हैं। ये देखो ये स्थिति है, ये गैबी नगर की नाली तक की भी नहीं बनी है, ये नाली वगैरह ढापे वगैरह कुछ नहीं। इधर की स्थिति देख लीजिए, ये हमारे गाँव के आमदार साहब भी है, लेकिन यहाँ पर ये आमदार साहब भी यहाँ पर फंड वगैरह दे नहीं रहे, कोई मेंबरों को काम नहीं दे रहे, ये है क्या, ये कब तक कैसा चलेगा। यहाँ के लोग सब परेशान हो गए, जबकि इनको नगर परिषद की घर पट्टी, रोड पट्टी, नल पट्टी। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से अभी तक ये तार निकले नहीं, हमारे मेंबर साहब ने कोशिश करे ये तार हटाने के लिए, और उनकी मेहरबानी जो यहाँ के सब तार निकल रहे। अरे तो ABC केबल जो गफूर भाई ने लगाए, तो ये जैसा गफूर भाई इनके पैसों से तो नहीं लगा ले, लेकिन गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस आओ आपको आगे के रोड बताते हैं, यहाँ की कंडीशन बताते हैं। और ये देखो सामने इस घर के ऊपर देखिए, घर के ऊपर से पूरे केबल तार जाए हुए, ये केबल अगर हाथ भी लग गया तो इसके जवाबदार कौन, MAC भी रहेंगी या कौन रहेगा, इसके जवाबदार कौन? MAC भी है, मेंबर है, और यहाँ के मेंबर 7 साल हो गया आज तक के झाके नहीं देखे, आज तक के ये गैबी नगर में क्या पोजीशन हो रही क्या नहीं, कोई मर रहा है कि जी रहा है वो भी नहीं देखने के लिए आते, वोट मांगने के लिए बरोबर 5 साल हो गए बरोबर आ जाते हैं। अब फकत वीडियो बना दीजिए, ऐसा हो जाओ उल्टा, हाँ आप क्या लाइसा ऊपर हाथ लेके बाबू इधर पलटा, इधर बता, इधर ऊपर,
ये देखो ये स्थिति है, ये गरीबी नगर की पोजीशन है, ये देखिए विकास देखिए कितना बेहतरीन विकास हुआ, इनकी तो बहुत तारीफ करना चाहिए, बहुत इनकी तारीफ़ लायक है मेंबर हमारे नगर सेवक, इनकी तारीफ करना चाहिए जो गरीबी नगर के मेंबर से। ये देखिए स्थिति, ये कंडीशन है, ये लोग किस हाल में जी रहे बेचारे, लेकिन इन लोगों के कहीं ना कहीं इन लोगों को ये इस बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे, बदलाव लाएंगे, और ये बदलाव ऐसा लाएंगे कि जो मेंबर इन्होंने 5 साल देखी नहीं उसे यहाँ खड़ा भी नहीं करेगी। हम आगे बताते आपको, और ये सही चीज़ बोल रहे हो, सही चीज़ बोलते हैं यार, इसमें हम आगे बताएंगे आप। ये देखो ये पाइप फूट गया, इनको नलों में पानी जो आ रहा है नालियों का आ रहा है, ये देखो पाइप फूट गया, ये नालियों का पानी पी रहे, लेकिन पूरे नांदरे को फिल्टर पानी मिलता, गरीबी नगर को फिल्टर पानी नहीं है, बोर का पानी पी रहे।